स्क्रिप्ट सब लिखते थे, मतलब कि कुछ कैसे कैसे बोलेंगे, क्योंकि उससे पहले कभी नहीं कैमरा फेस किए थे, नहीं मतलब वॉइस रिकॉर्ड किए थे, कुछ मतलब किए नहीं, इतने एडिटिंग किए थे। और लगभग 81 81 सब्सक्राइबर हुआ था उस टाइम 2 महीना में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा खुद के जर्नी के बारे में, जो हमारा यूट्यूब जर्नी रहा उस जर्नी के बारे में डिटेल से, थोड़ा डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। आज है 8 जुलाई, और आज के ही दिन 2020 में, मतलब 1 साल पहले आज के ही दिन हमने अपना फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था, और इसलिए भी इस दिन, यह दिन जो है सो खास है, पहला बात। दूसरा एक और कारण है जिसके कारण जो ये दिन है वो खास है, क्योंकि ये जो हम वीडियो भी बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हमारा 100वां वीडियो है, जो कि रेलवे सुमित चौरसिया रेलवे चैनल पे, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं उस चैनल पर अपलोड होने वाला 100वां वीडियो है, तो इसलिए भी ये खास है। तो इसलिए सोचे कि क्यों ना इस वीडियो में कुछ स्पेशल किया जाए। तो इस वीडियो में हमें अपना यूट्यूब जर्नी, जो हमारा यूट्यूब जर्नी रहा शुरू से लेकर अंत तक अभी तक, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे स्टार्ट किया था और क्या माइंड में था उस टाइम, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, मोटिवेट करेगी, और जहां तक हो सके मैं इसको अपना बेस्ट देने का कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए रेलवे रिगार्डिंग वीडियोस के लिए। और इस वीडियो में थोड़ा सा मोटिवेशन भी हम डालते हैं, कुछ अपने बारे में बतलाकर और कुछ लोगों के बारे में बतलाकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं शुरू से बतलाना चाहूंगा जो हमारा जर्नी, मतलब यूट्यूब के बारे में हम कब से सोचना स्टार्ट किए। तो 2018 मार्च का महीना 2018 में हमें स्मार्टफोन लिए थे, जो कि स्क्रीन टच फोन, उससे पहले तो हम चलाए भी नहीं थे। तो स्क्रीन टच फोन लेने के बाद जो हमारा, मतलब 12th के बाद लिए थे, 12th के बाद लेने के बाद जो है सो हमारा, इसके बाद हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करना स्टार्ट कर लिए थे। तो उसी टाइम जो है सो यूट्यूब हम बहुत ज्यादा देखते थे। यूट्यूब पे क्या, यूट्यूब पे स्टडी चैनल बहुत ज्यादा देखते थे, क्योंकि जो मेरा ज्यादातर तैयारी हुआ था वो खुद से किए थे, तो यूट्यूब की मदद से, तो बहुत सारा चैनल देखते थे। उससे हमको ये लगता था कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, कैसा करना चाहिए, क्योंकि इससे देख रहे हैं कि लोग पैसा पैसा कम भी कमा रहे हैं और इज्जत भी, और इतना ज्यादा लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो तो फॉलो मतलब जान रहे हैं इतना ज्यादा लोग, तो एक तरह से था कि हमको भी कुछ ऐसा करना है। तो उस टाइम सोचते थे कि एजुकेशनल चैनल हम भी खोलेंगे और कुछ पढ़ाएंगे। तो हम सोचे थे कि क्या पढ़ाएंगे, तो उस टाइम हिस्ट्री पढ़ना हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, और हमको लगता था कि हम हिस्ट्री में अच्छा कुछ कर पाएंगे, तो हिस्ट्री के बारे में सोच के रखे थे। लेकिन उसके बारे में हमारे मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि हम 12th किए थे साइंस से, तो इसके बाद मतलब उसके बारे में हमको ज्यादा बहुत नॉलेज नहीं था कि हम उसको शेयर करें, और हमारा एग्जाम भी होने वाला था, तो हम इस पे फोकस किए, पहले एग्जाम कर लेते हैं, इसके बाद इसके पर हम जो है सो चैनल बना के खोलेंगे। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतता गया, तो इसके बाद हम सोचे कि बॉडी बनाते हैं इसका, ये मतलब उस तरह का वीडियोस देखने लगे, तो लोगों से जुड़ने लगे जो कि बॉडी बिल्डर है, मतलब बॉडी बिल्डर नहीं, मतलब यूथ आइकन है, मतलब बॉडी बना के यूट्यूब चैनल खोले हैं बहुत सारा ऐसे यूट्यूबर। तो सोचे कि ऐसा कुछ करेंगे। इसके बाद जब जॉब में आ गए तो सोचे कि मतलब घर पे रहते थे तो स्टडी करते थे, तो और मतलब घर पे रहते जिम ज्वाइन करने का मतलब ऑप्शन नहीं हुआ, तो जो जिम ज्वाइन नहीं कर पाए और बॉडी नहीं बना पाए। और इसके बाद जब जॉब लग गए या फिर यहाँ आए, तो यहाँ पे देखे इतना कुछ हो रहा है, भर दिन काम करके आओ, फिर खाना बनाओ खाओ, ये सब चल रहा था। तो उस टाइम माइंड में आया कि चलो कोई दूसरा चैनल, जो कि बहुत सारा ऐसा वीडियो है जो कि सेल्फ हेल्प रिगार्डिंग, मतलब बुक्स पढ़ के नॉलेज लेके उसका शेयर करते हैं बहुत सारा, सोचे कि ऐसा ही कुछ करेंगे। तो इसके लिए हम जो हमारा सैलरी आया था, 3 मंथ का सैलरी आया था उस टाइम, मेरे अकाउंट में लगभग 70,000 के करीब पैसा था। उसी टाइम हम एक लैपटॉप और बिना किसी को बोले हुए घर पे, क्योंकि हमको जरूरत था और हमको करना था ऐसा कुछ, तो हम एक लैपटॉप और एक मैक खरीदे थे, जो कि 62,000 के करीब था, मतलब 70,000 हमारे अकाउंट में था और 62,000 का हम सिर्फ ये खरीद लिए थे। 3 महीना का सैलरी आया था मात्र, और हम आई थिंक अप्रैल मंथ में ये लिए थे, नवंबर में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था और अप्रैल मंथ में हम अपना लैपटॉप लिए थे 2020 में, क्योंकि हमको कुछ ऐसा करना था। इसके बाद बुक्स सब लिए, बुक्स पढ़ने लगे, फिर स्क्रिप्ट सब लिखते थे, मतलब कि कुछ कैसे कैसे बोलेंगे, क्योंकि उससे पहले कभी नहीं कैमरा फेस किए थे, नहीं मतलब वॉइस रिकॉर्ड किए थे, कुछ मतलब किए नहीं, इतने एडिटिंग किए थे, तो थोड़ा थोड़ा लिखने का कोशिश कर रहे थे। तो लेकिन क्या हुआ कि मतलब
नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर सोचे कि ये शायद हम मेरे बस की बात नहीं है। इसके बाद सोचे कि बहुत सारा वीडियो, उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था और बहुत सारा होम वर्कआउट का वीडियो जो है सो हमारे चैनल पे आ रहा था, तो हम सोचे कि क्यों नहीं हम ऐसा इस तरह का कुछ करें। क्योंकि मेरा मतलब बॉडी बिल्डिंग मेरा एक पैशन है और वो करना हमको अच्छा लगता था, तो हम सोचे कि क्यों नहीं हम होम वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो बनाए। और 8 जुलाई, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए, इसी वीडियो में शुरुआत में बताए कि 8 जुलाई को हम फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे डाले थे। तो 8 जुलाई को हम फर्स्ट वीडियो होम वर्कआउट का लगवाए थे, उसका नाम था सुमित चौरसिया फिटनेस, सुमित चौरसिया फिटनेस करके नाम था, जो अभी हम प्राइवेट कर दिए हैं। और उस पर लगभग 10 वीडियो हम 2 महीना के अंदर में डाले थे और लगभग 81 सब्सक्राइबर हुआ था उस टाइम 2 महीना में मेरा। लेकिन हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इसके पीछे कारण था जो हमारा वर्क कैसा है आप लोगों को पता ही होगा कि हम कितना फिजिकल वर्क है हम लोग का। बोले तो इसीलिए क्या होता है कि हम वर्क करने के ड्यूटी से आने के बाद जो है सो वर्कआउट नहीं कर पाते थे, नहीं जिम ज्वाइन कर पाते थे। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए क्या होता था कि हम वीडियो नहीं बना पाते थे, वीडियो नहीं बना पाते थे डेली। क्योंकि होता क्या था कि ड्यूटी से आने के बाद रेस्ट करने का मतलब मन करता था, बॉडी पूरे थक गया और फिर हमको वर्कआउट करना रहेगा, तो नहीं कर पाते थे कभी कभी। लेकिन खुद को पुश करके जो है उसको वीडियो वीक में लगभग 1-2 वीडियो बनाते थे। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको जो है सो फर्स्ट वीडियो जो हमारा था वो दिखलाने की कोशिश करेंगे, कहाँ से हम शुरू किए थे। इसके बाद मतलब जब नहीं हो पा रहा था 2 मंथ में कुछ नहीं कर पाए, तो बाकी मतलब खुश थे कि 81 सब्सक्राइबर है मेरे पास, मतलब 81 सब्सक्राइबर हो गए, खुश थे। लेकिन वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसीलिए जो है सो हम मतलब डिमोटिवेट हो गए थे और फिर लगने लगा कि मतलब ये कुछ नहीं कर पाएंगे इस जॉब के साथ। सोचे क्यों फिर मतलब स्टडी करें, दूसरा जॉब ले, इसके बाद फिर ऐसा कुछ करेंगे। तो फिर कुछ दिन छोड़ दिए। इसके बाद जो है सो 17 सितंबर को एक नया जर्नी हमारा शुरू हुआ, सुमित चौरसिया रेलवे करके एक चैनल खोले। और 17 सितंबर 2020 को हम जो है सो अपना फर्स्ट वीडियो डाले, जो कि आप लास्ट वीडियो हमारा जो सबसे पहला वीडियो है वो जाके देखिएगा। कितना हम नर्वस थे उस टाइम, बहुत सारा लिखने के बाद जो है सो मुझसे बोल पाए, वो रुक रुक के बोले थे मतलब। और उस टाइम जो हम पहला वीडियो बनाए थे, अपलोड किए थे, तो किसी को शेयर करने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब हम कैसे करके बोल रहे हैं। दूसरा वीडियो यूट्यूब पे हम देखते थे तो कितना अच्छा वीडियो, बैकग्राउंड अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था और बोलना भी नहीं आ रहा था हमको, तो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे थे। तो मतलब फिर इसके बाद सोचे कि अगर शेयर नहीं करेंगे तो एक भी व्यूज नहीं आएगा और फिर बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या किया, मेरा जो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट था, मतलब जितना भी 122 आदमी का कॉन्टेक्ट था, सभी के पास हम पर्सनली भेजते थे उस टाइम में, आंख बंद करके। ये नहीं सोचते थे ये कौन है, ये कौन है, इसको भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, ये देखा है कि नहीं देखेगा, सभी को भेज देते थे। बाकी कोई देखता नहीं था, और देख भी लेता था कोई तो सब्सक्राइब नहीं करता था। तो ऐसा कुछ रहा पहला कुछ टाइम। इसके बाद वीडियो बनाते गए। इसके बाद जो एक वीडियो था मेरा, ए डे लाइफ ऑफ ए ट्रैकमैन करके एक वीडियो बनाए थे, वो बहुत मतलब वायरल हुआ थोड़ा सा। और इसके बाद जो सब्सक्राइबर आना शुरू हुआ, आप लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ, तो फिर मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखे। और इसके बाद धीरे धीरे हमारा चैनल बहुत जल्दी, ये चैनल जो है सुमित चौरसिया रेलवे, ये बहुत जल्दी मतलब 2 महीना के अंदर ही हमारा चैनल मोनेटाइज होने के लिए कैपेबल हो गया, मतलब 1000 सब्सक्राइबर हो गया था। और इसके बाद तो आपको आगे पता ही है पिछले वीडियो में कि इसका पेमेंट और सारा कुछ। अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे 28,000 सब्सक्राइबर हैं और हम इससे खुश हैं, क्योंकि 28,000 लोग हमको जानते हैं पर्सनली, पर्सनली मीन्स हमारे फेस से जानते हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है 28,000 लोग। जहां 50-100 लोग हमारे सामने आ जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, वाह इतना लोग। और अगर हम 28,000 लोग को इमेजिन करते हैं तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है, और वो लोग हमको से प्यार करते हैं एक तरह से, तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। हम सोचे भी नहीं थे कि इतना कुछ हो जाएगा। बाकी ये जो जर्नी था वो इतना आसान भी नहीं था। आप जब हम फर्स्ट वीडियो जब शेयर करते थे लोगों के साथ, तो मतलब बहुत सारा मजाक भी बना था और बहुत सारा मतलब इससे पहले जो वीडियो था मेरा फिटनेस से, उसके रिगार्डिंग मतलब बहुत सारा मजाक उड़ा था। क्योंकि मतलब पहले तो मतलब उतना ज्यादा बॉडी हम बनाए नहीं थे, हम चैनल स्टार्ट कर दिए थे, तो इसलिए हमको बहुत सारा मतलब कुछ सुनना पड़ा था लोगों के द्वारा।